नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीयू न्यूज। मैं साहिल कुमार। इस वक्त हम शहर से गांव करीबन 20 किलोमीटर दूर सिंघारा पंचायत के सिंघारा गांव में हैं, जहां पे हमारे साथ प्रत्याशी श्रीमती रेखा देवी हैं। बहुत बहुत नमस्कार मैम मेरे चैनल से बात करने के लिए। और जानते हैं इनके हस्बैंड है जो बताएंगे कि क्या क्या एजेंडा लेकर ये इस बार खड़ा हो रहे हैं मुखिया में। सर, क्या क्या एजेंडा रहेगा इनका? एजेंडा रहेगा बहुत सा कार्य है, जैसे नल जल योजना हो गया, धरातल पे सही से कार्य नहीं कर रहा है, जैसे इंदिरा आवास हो गया, इंदिरा आवास में बहुत सा पैसा लिया जा रहा है। मेरा इनका जो भी कार्य रहेगा उसमें किसी से एक रुपया लेने लिया नहीं जाएगा। जिनका जो अधिकार रहेगा उनका अधिकार मिलेगा। पूर्व मुखिया क्या कमी दिख रही है कि इस बार लगता है कि आपको मतलब जितवाएगी? पूर्व मुखिया बहुत सा ऐसा है कि जैसे इंदिरा आवास हो गया, इंदिरा आवास में धांधली किया है, बहुत सा पैसा लिया जा रहा है, 30,000 40,000 रुपया लिया जा रहा है, जबकि लेने का कोई राइट नहीं है। उनका अधिकार है तो इसलिए उनको मिल रहा है, जिसका राइट रहेगा उसी को नहीं मिलना चाहिए। इनका यही एजेंडा है कि हम किसी से एक रुपया नहीं लेंगे, और जो भी काम रहेगा धरातल पर जनता के सामने रखेंगे। जनता के कितने करीब हैं आप लोग? जनता के जनता से लगाव रहता है, सबके सुख दुख में ये काम आती हैं, सामाजिक कार्य में भाग लेती हैं, हर जगह हर किसी के बुलाने पर वहाँ पहुँचती हैं, नहीं बुलाने पर भी पता चलता है तो आदमी जाता है जाके देखती है उनके दुख सुख। इनका सीधा एजेंडा है कि सरकार की जो भी नीति आएगी वो सीधा जनता को एकदम डायरेक्ट पहुंचेगी बिना किसी कमीशन उमीशन का। जो पूर्व मुखिया है यहाँ के, जो कमीशन की बात बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी आवास, नल जल योजना का क्या हालात है यहाँ पे? नल जल योजना वही है, 2 दिन ठीक रहता है 2 दिन खराब। यानी नल जल योजना मेरे यहाँ लगता है 2018 से ही है, जबकि सुचारू रूप से ढंग से कहीं नहीं चल पा रहा है। जैसा कि आप बोला कि नल जल में अभी पूर्ण रूप से कार्य यहाँ नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़। मैं साहिल कुमार, धन्यवाद।